हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवाई का जो कि आपको आपके अस्थमा के केस से रिलीफ देने का काम करेगा और काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला दवाई है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, फिर आपको समझाऊंगा बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। आज का हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है एस्थलीन, जो कि एक इनहेलर के फॉर्म में है क्योंकि इसके दूसरे फॉर्म भी आते हैं। और इस एस्थलीन का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका सॉल्ब्यूटामॉल, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। सॉल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 100 mg पर डोज के हिसाब से आपको दिया जाता है। चलिए ये एस्थलीन क्या है इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्थमा, ये होता क्या है। अस्थमा को हिंदी में दमा की बोलते हैं प्रॉब्लम, या तो उसको श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। यहां पे व्यक्ति के जो एयरवे है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और वो सांस को लेकर के जाने वाला वे यानी कि रास्ता सकरा हो जाता है कुछ इस तरीके से। अगर ये मान लें कि नॉर्मल है तो अस्थमा के पेशेंट में ये नॉर्मल से हट करके सकरा होने लगता है, और अगर इसकी सिचुएशन खराब होती है, केस बढ़ता है, तो वहां पे म्यूकस का भी सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। इसके कारण से अचानक से उसके जो नलियां हैं वो चोक होने लगती हैं और वो आसानी से ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट नहीं कर पाता। पर आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम सांस ना ले पाए थोड़ी ही देर के लिए तो कैसी बेचैनी, कैसी घबराहट होने लगती है। ये अस्थमा के पेशेंट को कई बार फेस करना पड़ता है। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ऐसे जगह में जाता है जहां पे डस्ट पॉल्यूशन या फिर जो फूलों के कण होते हैं वो होगी, या फिर बहुत अधिक ठंडी जगह होगी, तो उसको अस्थमा का ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि अस्थमा उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे सिचुएशन में हमको इमीडिएट रिस्पॉन्स करने वाले ड्रग की आवश्यकता है। अब ऐसे केस में कोई टेबलेट खाने लगे तो फिर वो ड्रग आपके पेट में पहुंचेगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो काम करेगा। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, उसके काम का कोई भी काम हमारे लिए नहीं बच पाएगा। ऐसे केस में हमको ऐसे रूट ऑफ ड्रग एडमिशन की आवश्यकता होती है जहां पे अगर हमें कोई ड्रग दो तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करे, बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करे ताकि हम प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। ऐसा एक्शन हमको दो तीन रूट से मिल सकता है, आईवी से मिल सकता है और इस तरह के इनहेलेशन से मिल सकता है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, अस्थमा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है जहां पे आपके बेसिक एयरवे इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम ड्रग को उसी रूट पे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि बहुत ही जल्दी टारगेट एरिया पे जाकर के वो ड्रग काम करना स्टार्ट कर दे। इनहेलेशन की बात करते हैं, जब कभी भी हम कुछ चीजों को इस तरीके से खींचते हैं सांस के थ्रू तो वो डायरेक्टली आपके लंग्स या एयरवे से होता हुआ जाता है और वो इमीडिएटली एक्शन देना स्टार्ट कर लेता है। ये एस्थलीन का बेसिक पंप है जिसमें एक मीटर डोज भी आ रहा है, पहले ये नहीं आता था, अब ये प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। मीटर डोज मतलब आपको पता तो चले कि एक्चुअली में इसके अंदर कितना बचा हुआ है। एक बार एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा जिससे खाना बनाते हैं, और अगर गैस सिलेंडर को बाहर ही रख दिया जाए और चलने दिया जाए तो क्या आप देख करके ये बता सकते हो कि एटलीस्ट इस के अंदर कितना गैस बचा हुआ है और ये क्या खत्म हो चुका है कि नहीं। जब तक आप उसको वेट नहीं करते आप ये नहीं बता पाते, और वेट करना इज नॉट एक्यूरेट मेजरिंग, क्योंकि यहां पे अंदाजा लगाता है कि हां भाई है, बचा है, ज्यादा भारी है, कम भारी है या हल्का है, वो एक अलग अजम्पशन है। यहां पे ऐसा है कि अगर आप मीटर लगा दिया जाए गैस पे तो कि आपने मीटर चालू गैस चालू किया, मीटर बताएगा फुल, मतलब फुल गैस है, जैसे धीरे धीरे जाते जाएगा कम बताते जाए, तो ऐसा हो तो कितना अच्छा है। लेकिन यहां पर भी वैसे ही मीटर डोज दिया गया है कि 100 बार आप पंप कर सकते हो, वरना ये आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं पंप करते जा रहा हूं, डोज खत्म होने वाला है 2-4 बार, अब वो ट्रेवल कर रहा है उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो जब मीटर में ये बता देगा कि 4 या 5 डोज बचे हैं तो उससे पहले ही आदमी दूसरा अपना अल्टरनेटिव लेके चलेगा, साथ में स्पेयर में लेके चलेगा। इसलिए मीटर डोज का बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। अब इसको बताता हूं कि ये काम कैसे करता है, इसको यूज कैसे करते हैं। इसके अंदर जो मेन ड्रग है हमारा वह है सॉल्ब्यूटामॉल, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली। सॉल्ब्यूटामॉल एक बेसिक ड्रग है जो कि आपके ब्रोंकिया की कॉन्स्ट्रिक्शन को हटा करके रिलैक्स, यानी कि ब्रोंको रिलैक्सेशन करने का काम करता है। यानी कि जो चीजें सक्रिय हो गई हैं जिसकी वजह से हमें पासेज कम हो रहा है उसको फैला करके एयरवे को अच्छा स्पेसियस बना देता है ताकि आराम से हम सांस ले सकें। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने कभी ऐसी जगह पे गए होगे जैसे वैष्णो देवी की गुफा या कोई और गुफा गए होगे जहां पे जगह बहुत सकरा है तो आपको उसमें से गुजरने में बहुत दिक्कत जाती है, लेकिन अगर वही जगह सकरा जगह थोड़ा बड़ा हो जाए तो आराम से आप निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। बस यही है कि ये जो दवाइयां है उस सकरे जगह को वापस से रिस्टोर करके पहले के जैसा कर देता है ताकि आसानी से सांस आ सके और सांस जा सके। ये उसके काम करने के बेसिक तरीके होते हैं।
अब ये जो पंप है आपका वो कैसे काम करता है, इसको मैं ओपन अभी नहीं कर सकता, लेकिन इसको कैसे करते हैं यूज मैं आपको बता देता हूं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ऑफिशियल साइट से देख भी सकते हैं। ये पंप निकालने के बाद सबसे पहले आपको शेक करना है ताकि इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके बाद उसमें जो मुंह में रखते हैं उसमें एक गैप है, इसको आपको रिमूव करना है और उसको रख करके पुश करना है। ये चीज याद रखिएगा, पुश करने के बाद 5 सेकंड तक सांस अंदर लें और उसके बाद 5 सेकंड तक मुंह बंद रखें, फिर दूसरा डोज अगर जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। यहां पे मीटर डोज होगा, यहां पे 200 इनिशियल पे लिखा होगा। जैसे आप इसको पुश करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, उसकी जो काउंटिंग है वो रिवर्स में यानी कि काउंट डाउन होना शुरू हो जाएगा। 200 से फिर 199, 98, 97 इस तरीके से कम होता 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 वो आते जाएगा और आपको पता चलते जाएगा कि आखिर इसके अंदर और कितना डोज बचा हुआ है। मीटर डोज जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको पता चलते जाएगा। अस्थमा के पेशेंट को एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए, वो है ऐसी जगह पे बिल्कुल ना जाए जहां पे डस्ट पॉल्यूशन, फूलों के उड़ने वाले कण, जहां के आज करके बसंत में बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तो ऐसी जगह से उनको बचना चाहिए। ठंडी जगह पे बहुत ज्यादा चिल्ड एसी में भी उनको नहीं जाना चाहिए, इससे इससे ट्रिगर होता है। अस्थमा के दो फेज होते हैं, इनिशियल फेज में तो ब्रोंको का कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, सेकेंड फेज में आपके म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है विद द हेल्प ऑफ गॉबलेट सेल, तो वहां पर पूरा चिपचिपा चिपचिपा बन जाएगा, उससे प्रॉब्लम और बन जाती है। चलिए मैं आपको वापस एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप और अच्छे समझ सके। वो गुफा वाला एग्जांपल याद करिए कि एक तो गुफा पहले से ही सकरा है जिससे आप बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं। अगर उस गुफा के बीच में जाने के बाद आपको दिखे कि कीचड़ पूरा भर गया है, चिपचिपा कीचड़ भर गया है, तो अब आपका वहां से आगे जा पाना बहुत ही मुश्किल होगा या तो नामुमकिन होगा। तो एक तो पहले से प्रॉब्लम थी सकरी होने का, ऊपर से म्यूकस यानी कि चिपचिपा कीचड़ भर गया तो वह प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। वैसे ही हमारा एयर वे या तो पहले से कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिगरिंग फैक्टर, दूसरा इनिशिएटिव ले गया सेकंड फेज का तो वहां पे म्यूकस बन गया गॉबलेट सेल के द्वारा जस्ट बिकॉज ऑफ एलर्जी, जस्ट बिकॉज ऑफ मास सेल, तो वहां पे प्रॉब्लम आपकी और बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें बहुत दिक्कत में जान सकती हैं अगर आपके पास इस तरह के डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया मेडिसिन साथ में नहीं है तो। और एक अलग से सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको डॉक्टर ने ये दवाइयां प्रिस्क्राइब करी हैं जितने समय के लिए उतना पूरा यूज करिए, और कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमेशा स्पेयर में एक दो और रखें, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड 150 के आसपास या 157 रुपए के आसपास का है, तो आप अपने साथ 2-3 पेयर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जो चीजें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनको तो लेके जाया ही जा सकता है। अस्थमा के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बहुत सारे पार्ट के साथ, सिंपल एनिमेशन, सिंपल एक्सप्रेशन, डेमोंस्ट्रेशन के साथ, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर सर्च कर सकते हैं अस्थमा बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, उस चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर। मुझे ये लगा कि ये प्रोडक्ट आपको दिखा देना चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बढ़ जाए, तो मैंने इस प्रोडक्ट को रिमूव किया बॉक्स से और आपके लिए चीजें निकाल करके लाई है। ये है इनहेलर, मतलब इनहेल के लिए जो ड्रग को मदद करता है वो मशीन इनहेलर कहलाता है। एक छोटा सा प्लास्टिक की बॉडी है जिसपे इसके कंपनी की बॉन्डिंग लगी हुई है, इसके ऊपर इसका ड्रग लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, और सामने में ये आपके मुंह में रखने का एक पार्ट है जिसके ऊपर अभी फिलहाल कैपिंग लगी गई है व्हाइट कलर की। जब आप इसे यूज करें तो इसको अच्छे से शेक कर लें ताकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके बाद आप इस कैप को बाहर निकाल लें, इसको मुंह पे रखें, दांतों से चबा लें और जीभ को इसके ऊपर फिक्स कर लें। इसके बाद आपको इसको पुश करना है और एक स्प्रे आएगी। यहां पे इसका मीटर डोज है जो आपको बताएगा कितने डोज इसमें बचे हुए हैं। इस पे 200 मार्क लगा हुआ है जो कि आगे जाके प्रेस करते ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको डेमो कर रहा हूं, तो कैसे डेमो करना है, इसको रखिए मुंह पे और उसका प्रेस करिए, 5 सेकंड के लिए रखिए, उसको अंदर लीजिए और 5 सेकंड के बाद अगर रिजल्ट पड़े तो दोबारा स्प्रे आप मार सकते हो, कुछ इस तरीके से। इसको मैं अपने मुंह पे रख रहा हूं, उसके बाद मैंने गहरी सांस ली, अब यहां पे जो डोज है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, अब शायद आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से इंप्रूव हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।